बांग्लादेश में हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ सड़कों पर कत्लेआम जारी है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। मंगलवार को जिस तरह से निर्मम हत्याएं हुई हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देश में जारी हिंसा के बीच देश भर में 20 आवामी लीग नेताओं समेत 29 लोगों के शव मिले। बताया जा रहा है कि एक्टर शांतो खान के प्रोड्यूसर पिता सलीम खान हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े थे। उन्होंने शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान पर बनी फिल्म प्रोड्यूस की थी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को वे घर से निकलकर भाग रहे थे। फरक्काबाद बाजार में उन्हें भीड़ ने घेर लिया, तब उन्होंने गोली चलाकर खुद को बचा लिया, लेकिन बाद में वे घिर गए। उपद्रवियों ने फेमस बांग्ला सिंगर राहुल आनंद का ढाका के धान मंडी में 140 साल पुराना घर जला दिया। जलाने से पहले उनके घर में लूटपाट भी की गई। आनंद, उनकी पत्नी और उनका बेटा हमले से सुरक्षित बचने के लिए में सफल रहे। घर में आग लगने की वजह से राहुल के घर में रखे 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बर्बाद हो चुके हैं। उधर उपद्रवियों ने सोमवार रात जोर शोर में आवामी लीग के एक नेता का आलीशान होटल आग के हवाले कर दिया। इसमें 24 लोग जिंदा जल गए। इसमें इंडोनेशिया का भी एक शख्स शामिल है। होटल जाबिर इंटरनेशनल आवामी लीग के जिला महासचिव शहीन चक्कलदार का था। ढाका ट्रिब्यून से एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सोमवार के बाद से अब तक कम से कम 50 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। ढाका के अलावा देश के ज्यादातर पुलिस स्टेशन पर भी कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। बचने के डर से सभी पुलिसकर्मी भाग चुके हैं। कोमिला में भीड़ के हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए। अशोकतला में पूर्व पार्षद मोहम्मद शाह आलम के 3 मंजिला घर में उपद्रवियों द्वारा आग लगा दिए जाने से 6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह उनके शव घर से बरामद किए गए। बता दें कि इनमें 5 जवान भी शामिल थे। इसी बीच भीड़ ने घरों के ग्राउंड फ्लोर में आग लगा दी। बाद में 3री मंजिल पर शरण लेने वाले लोगों की धुएं के कारण मौत हो गई और वे जल कर मर गए। इस घटना में कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं। इनमें एक गंभीर रूप से घायल का ICU में इलाज चल रहा है। तो बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच एयर इंडिया ने कल देर रात ढाका एयरपोर्ट से एक विशेष चार्टर उड़ान संचालित की। ये ढाका से दिल्ली के लिए 199 यात्रियों और 6 बच्चों को लेकर आया और आज सुबह दिल्ली पहुंचा। ये जानकारी एयर इंडिया के सूत्रों ने दी है। ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों और घायलों के लिए 11 सूत्री मांगे रखी गई हैं, जिनमें फूड कार्ड कार्यक्रम के तहत आयु के आधार पर स्नातकोत्तर तक के सभी छात्रों को 2000 से 3000 टका प्रति माह अनुदान देना, नौकरी के इच्छुक लोगों को 3000 टका बेरोजगारी भत्ता देना और प्रभावित परिवारों का शीघ्र पुनर्वास करना शामिल है। मांगों में निजी विश्वविद्यालय में छात्रों को सीधे सरकारी छात्रवृत्ति देना और शेख हसीना परिवार के विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर स्थापित शैक्षणिक संस्थान का नाम बदलना भी शामिल है।